नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से। देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग की नसों का फटना। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। इसमें आपको घरेलू इलाज बताऊंगा जो आप घर पर ही करें और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और ये जीवन में आपके कभी भी नसें फटना दिमाग की कभी भी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि आप अगर इस पर चलेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको ऐसी समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और जिनको ये समस्या हो रही है वो भी इस उपाय को करें और वो अपने आप को इस चीज से निकाल लेंगे। अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे चलना है इसमें। जैसे कि आपका बीपी बढ़ रहा है, उसको आप कंट्रोल करें। खाने में अपना जो है ग्रीन सब्जी का इस्तेमाल करें, घी को बंद कर दें, नमक बंद कर दें। सेंधा नमक यूज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन सेंधा नमक भी ज्यादा दिन के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें बीपी नीचे जाने की कोशिश करता है, जाता है। और आप जो है सेंधा नमक को 15 या 20 दिन लें, उसके बाद उसी नमक पर आ जाएं जो आप नमक ले रहे हैं। और इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो आप बीपी के लिए तो मैंने आपको बताया ही है, और दूसरा इसमें मैं आपको बताने जाऊंगा कि खाने में आपको क्या लेना है। ग्रीन सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें, सलाद ज्यादा लें। जितना ज्यादा आप सलाद लेंगे उतना आपको फायदा होगा और बीपी आपका कंट्रोल रहेगा। रोटी 2 या 3 से ज्यादा ना लें एक टाइम में। और मॉर्निंग में आपको लेना है करेले का जूस और तोरी का जूस, आधा कप तोरी और आधा कप करेला, दोनों को जूस को मिक्स कर लें। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना। मॉर्निंग में आप ये जूस लें और रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं तो ये जूस जरूर लें, क्योंकि ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। और इसमें आप जूस, आपको मैं जूस से पहले भी बताऊंगा आपको क्या लेना है। उसमें मैं आंवले का मुरब्बा बताऊंगा जो आपको लेना है और किस तरीके से लेना है वो भी बताऊंगा आपको। और जो आपकी जो प्रेशर जाएगा, ये प्रेशर जो होता है, ब्लड जो होता है गाढ़ा हो जाता है हमारा। और जिनको ये समस्या होती है, जब ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो नसें इसमें फूलना शुरू हो जाती है, प्रेशर बढ़ता है। हमें उस प्रेशर को ही रोकना है, और वो प्रेशर रुकेगा आपके खान पीन से, ग्रीन सब्जी से, जो मैंने अभी आपको जूस बताया है इससे। ये आपको कभी नहीं छोड़ना। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट जूस लेना है और रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं तब जूस लेना है। और जैसे कि आप चाय वगैरह पी रहे हैं तो एक टाइम चाय कर दें। जिनको ये समस्या है, बीपी हाई या ब्लड गाढ़ा है और नसें दिमाग की समस्या है, दिमाग उनका भारीपन या दर्द रहता है, तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले चाय का त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही टाइम लें। दूसरे टाइम में आप कभी अगर आप लेना चाहे तो दूध ले सकते हैं, उसमें आप डालें, धागे वाली मिश्री आती है चाय में भी वही डालें। चीनी को आपको बंद करना चाहिए क्योंकि केमिकल्स होता है। धागे वाली मिश्री किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, और इसको आप पीस कर अपना एक पाउडर बना लें और इसमें चाय में या दूध में आप डालकर ले सकते हैं। चीनी को छोड़ना चाहिए, इससे बचना चाहिए आपको। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, रात्रि में जब आप जूस जो लेंगे उससे पहले 1 घंटा पहले आप अगर 2 आंवले, उसका आपको रस बिल्कुल नहीं लेना है, आंवले का मुरब्बा लें, उसको आप पानी में धो लें या उसको गर्म कर लें, एक उबला हुआ
आंवला लेंगे तो ज्यादा लाभ होगा आपको। जैसे दो आंवले लेने हैं आपको, गर्म पानी करें उसमें दो आंवले निकालकर मुरब्बा जो होता है वो डाल दें, दो आंवलों का मुरब्बा, और उसको उबालें तो उसमें जो जूस होगा जो रस होगा वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि मिठास ज्यादा आपको नहीं लेनी है। और ये दो आंवले के मुरब्बे आपको गुनगुना लेने हैं, आपको 5 मिनट पकाना है, फिर इसको उतार लेना है, आंच से उतार लें और फिर इसको आप आंवले को निकालें, थोड़ा ठंडा होने दें, और ज्यादा गर्म लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। जितना आप गर्म इसको खा सकें उतना आप खाएं, और इसका रस बिल्कुल नहीं लेना जिनको ये समस्या है नस फटने की दिमाग की। और 1 घंटे के बाद आपको वही करेले का और तोरी का आधा आधा कप मिक्स, 1 कप जूस हो जाएगा, वो आपको रात्रि में सोते वक्त लेना है। ग्रीन सब्जी आपको लेनी है, ये खानी है आपको बहुत, और इसमें आपको कोई भी गर्म मसाला यूज नहीं करना, सब्जी में गर्म मसाला से आपको बचना है, सादा बिल्कुल एकदम भोजन लेना है आपको। प्याज खा सकते हैं कच्ची, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरी मिर्च खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रेशर नहीं बना और आपका ब्लड जो है पतला होगा। जो हरी जो मिर्च होती है वो जो आप खाते हैं तो उससे ब्लड जो होता है पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता। और ये जो मैंने आपको बताया है ग्रीन सब्जी, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे कि उबली हुई दाल, 1 गिलास उबली हुई दाल जरूर पिए, चाहे आप दोपहर में पिए या शाम को खाने के साथ अपने भोजन के साथ। कोई भी दाल, पतली दाल होनी चाहिए पानी वाली, और उबली हुई होनी चाहिए, उसमें आपको केवल मात्र सेंधा नमक डालना है। सब्जी में आप डालते रहें कोई भी नमक खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको नस फटने की प्रॉब्लम जैसे आ रही है या उनके सिम्टम बढ़ रहे हैं तो नमक उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, सेंधा नमक देना चाहिए उनको खाने में, सब्जी में 20-25 दिन, उनका जो प्रेशर है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बीपी जो है नीचे होगा और उनका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा नहीं। और दाल में जैसे आप सब्जी खा रहे हैं उसमें कोई भी आप नमक आयोडीन ले सकते हैं, लेकिन जो दाल आप पिएंगे उसमें आप सेंधा नमक डालकर ही पिए, बहुत लाभ होने वाला है आपको। जिनकी नसें फटने का खतरा है या वो इस समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये दाल का पानी, सेंधा नमक वाली दाल का पानी बहुत ही लाभदायक है। बहुत हल्का डालना है, ज्यादा नहीं डालना, इसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है और आपकी जो समस्या है बहुत इसमें आपको फायदा मिलेगा, लाभ होगा और आप अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे। ये मैंने आपको जो वीडियो में आपको बताया है कि आपको इसमें कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, अगर आप इसी पर रहे, इसी पर फॉलो करते रहे तो आपको एक तो बीपी की समस्या ये नहीं आने वाली, जो आप गोली टैबलेट खा रहे हैं वो भी कम हो जाएगी, या आप दिमाग की समस्या से गुजर रहे हैं, नसों में दर्द या नस फटने का आपको लग रहा है, तो इससे भी आप बिल्कुल बच जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। हमारे घरेलू इलाज आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए।